Uh, बेटा आप लोगों का जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का सब्जेक्ट था उसमें हमने फिज़िकल डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रिहैबिलिटेशन है ये रिहैबिलिटेशन है फॉर द फिज़िकल डिसेबल्ड पर्सन ठीक है अब इसमें क्या है सबसे पहले यहाँ पे आपको शेयर किया हुआ है इसकी मीनिंग जो कि लेटिन वर्ड रिहेबिलिटेर से लिया गया है और इसका मीन है टू फिट अगेन ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि जो रिहेबिलटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं के जो ख़ुदा न खास्ता किसी इलनेस की वजह से किसी इंजरी या डिजीज़ की वजह से अपने जो नॉर्मल कंडीशन है आ, या कोई भी जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का आ, वो आ, नहीं कर पाते और उसको दोबारा से रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या सर्विसेज के जरिए री किया जाता है फॉर नॉर्मल लाइफ और वो किस हद तक री होता है आ, वो हम आ, हम जो है डिस्कस करेंगे आगे टाइप ऑफ इलनेस या डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो है वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सपोर्ट करता है ठीक है तो अगर हम इसमें डेफिनेशन देखें तो रिहेबिलिटेशन जो है वो ट्रीटमेंट्स है या ट्रीटमेंट डिज़ाइन की जाती हैं फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द फिजिकल डिसेबल पर्सन थ्रू आप कह लो इंजरी है इलनेस है डिजीज़ है टू एज नॉर्मल एज कंडीशन पॉसिबल ठीक है इसके अलावा एक और हमें डेफिनेशन मिलती है टू री टू गुड हेल्थ और यूजफुल लाइफ एज थ्रू थेरेपी एंड एजुकेशन कि डिफरेंट थेरेपीज़ और एजुकेशन के ज़रिए जो है वो हम उनको री कर सकें एज़ गुड एज पॉसिबल हेल्थ ठीक है इसी में अगर हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का एक और देखें तो यहाँ पे आ रहा है सिंपल है अ प्रोग्राम फॉर री स्टोरिंग सम वन टू गुड हेल्थ सिंपल ठीक है तो ये तमाम जो नोट्स हैं ना ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अब अगर हम इसका पर्पस देखें कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है तो इसका पर्पस ही मेन है क्या है री ठीक है सम और ऑल पेशेंट फिज़िकल सेंसरी एंड मेंटल कैपेसिटी अब क्या मतलब है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ कुछ हद तक जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं वो डिपेंड करता है सवेरिटी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशन है तो कंप्लीट आप कह लो रिकवरी पॉसिबल नहीं होती और कुछ ऐसे होते हैं जो माइल्ड कैटेगरी में आएंगे उसमें मैक्सिमम जो है वो रिस्टोर्स की तरफ पॉसिबिलिटी होती है जाने की अब जितनी भी कोशिश के ज़रिए फिज़िकल सेंसरी या मेंटल जो कैपेबिलिटीज़ uh, हैं या जो आप कह लो एबिलिटी रह गई हैं उनको जो है वो रिस्टोर uh, किया जा सकती है वो किसी भी इंजरी की वजह से हुई है इलनेस की वजह से या डिजीज़ की वजह से ठीक है रीहेबिलिटेशन जो है उसमें क्या आता है असिस्टिंग द पेशेंट टू कंपनसेट फॉर डेफिसिट दैट कैन नॉट बी रिवर्स मेडिकली जिनको मेडिकली जो है वो रिवर्स नहीं किया जा सकता तो कौन सी टेक्नीस और थेरेपीज़ यूज़ की जा सकती हैं उन डेफिशिट्स या उन कमी को पूरा करने के लिए तो इसमें अगर हम देखें कि इट इज़ प्रस्क्राइब्ड आफ्टर मैनी टाइप्स ऑफ इंजरी एल्नेस डिज़ीज़ इंक्लूडिंग इसमें और क्या क्या आ जाता है कि किस किस के बाद जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो एम्पूटेशन है ठीक है आर्थराइटिस है कैंसर है कोई भी कार्डिक डिजीज़ है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या आर्थोपैडिक इंजरीज़ हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्ट्रोक या ट्रोमेट्रिक ब्रेन इंजरीज भी इंक्लूड करती हैं ठीक है क्योंकि हमने पहले आपको याद होगा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो भी फिज़िकल हमारी डिसेबिलिटीज़ आ, आ रही हैं उसमें दो तरह की थी कैटेगरीज एक थी हमारी आ, जो नर्व्स से रिलेटेड थी ठीक है और दूसरी थी हमारी औरडिक ठीक है तो ऑर्थोपेडिक और नर्व्स जो दोनों हमने पढ़ा था तो उसमें था कि मैं बहुत सी दफा ऐसे होता है कि वो दोनों जो हैं अगर हुदाय खास्ता कोई न्यूरोजिकल प्रॉब्लम हुई है और उसने उस पार्ट को मुतासर किया है जिससे कि ऑर्थोपेडिक में अगर हम जाएँ तो खुदा खास्ता जो लोअर पोर्शन है वो पैरालाइज हुआ है तो नर्व्स के डैमेज की, की वजह से ऑर्थोपेडिक तो इम्पेयरमेंट्स होने का भी ख़तरा होता है ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है तो इन में से कोई भी वजह बनती है किसी भी कोई जो इलनेस है उसने न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट कॉज की या आर्थोपैडिक की है तो उन दोनों सूरतों में जो है वो आ, बहुत सी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड uh, की जाती हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं और इसमें अगर हम देखें तो प्रिकॉशंस क्या होती हैं कि जो भी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं वो क्वालिफाइड थेरेपिस्ट ही प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सरसाइज़ होती हैं और फिज़िकल इंटरवेंशनस होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि पे जो पेशेंट है उसके डेफिसिट्स देखते हुए उनको डिज़ाइन किया जाए हर थेरेपी जो है वो हर पेशेंट के लिए या हर स्वेरिटी के लिए जो है वो नहीं होती ठीक अगर हम इसमें टाइप्स ऑफ फिज़िकल रिहेबिलिटेशन देखें तो उसमें सबसे पहले आता है फ़िज़िकल थेरेपी ठीक है अभी तक का लिए इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट मैं जो है वो इसी लेक्चर का पार्ट टू आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें हम फिज़िकल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी आ, क्या है और उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स यूज़ उसकी जाती हैं यहाँ तक अगर आपको किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स अल्लाह